Hello students, welcome to online classes of BSR Government Arts College Alwar. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography, and we are doing the second paper of BA Part 2. The topic that we are taking today is Types and Patterns of Rural Settlements. We have done this topic in the previous two videos, and in the previous videos we have discussed the types of rural settlements and we have done a few patterns of rural settlements. तो पिछले वीडियोस में हमने ग्रामीण बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप पढ़े हैं. ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हम पढ़ चुके हैं और प्रतिरूप हमने पिछले वीडियो में प्रारंभ कर दिए थे, जैसे कि रेखीय प्रतिरूप और अन्य प्रतिरूप. और आज हम तीसरे प्रकार का ग्रामीण प्रतिरूप कर रहे हैं जो है अरीय त्रिज्या प्रतिरूप या रेडियल पैटर्न. भारतीय गांवों का यह एक प्रमुख प्रतिरूप है. इस प्रतिरूप के गांवों में कई ओर से मार्ग आकर मिलते हैं. हम ऐसा देख सकते हैं कि बीच में एक केंद्र है, उससे बहुत सारी त्रिज्याएं बाहर की ओर निकल रही हैं और उन पर मकान या झोपड़ियां या इमारतें बसी बनी हुई होती हैं और उसको हम अरीय त्रिज्या या त्रिज्या प्रतिरूप कहते हैं. इस प्रतिरूप के गांवों में कई ओर से मार्ग आकर मिलते हैं या उस गाँव से बाहर अन्य गाँवों के लिए कई दिशाओं को मार्ग जाते हैं. इन गांवों की गलियां गांव के भीतरी भाग में आकर मिलती रहती हैं, अतः वे समांतर नहीं होती हैं या पैरेलल नहीं होती हैं. गांव में जो चौराहा होता है उसे त्रिज्याकार मार्गों पर उससे त्रिज्याकार मार्गों पर घर बसे हुए होते हैं. मकानों के सामने से मार्ग जाते हैं और मकानों की पीठ की ओर भी रास्ते हो सकते हैं. ये गांव पैदल मार्गों या बैलगाड़ियों के मार्गों द्वारा आसपास के गांव से मिले होते हैं. इसे मकड़ी जाला प्रतिरूप भी कहते हैं, क्योंकि जो त्रिज्याएं होती हैं उनमें भी आपस में छोटे मार्ग बन जाते हैं जिसके कारण कि वो मकड़ी के जाले के समान दिखता है. भारत, चीन और पाकिस्तान के गांवों में लगभग 35% गांवों की संख्या इसी प्रकार के अरीय प्रतिरूप गांवों की होती है. मेरठ के समीपवर्ती क्षेत्रों में पतला, निवारी, सिवालखास, खुरान, भवन, बहादुरनगर, चितसोना, मंडोना, खिलवाई, नरसिंहपुरा, नरसिंहपुर, सोंडा आदि गांव इस प्रकार के उदाहरण हैं. तमिलनाडु राज्य के उट्टाइनटम, उगंडान, पट्टी आदि इसी प्रतिरूप के गांव हैं. बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में इस प्रकार के गाँव प्रत्येक जिले में मौजूद हैं. इस प्रकार के गांव का जो डेवलपमेंट या विकास होता है वो किसी केंद्रीय सुविधा के आसपास होता है. जैसे कोई केंद्रीय बड़ा पेड़ हो या झील हो या गांव की कोई केंद्रीय पंचायत का स्थान हो तो उसके आसपास फिर लोग फैलने लगते हैं और वो त्रिज्याकार मार्गों के ऊपर बसते चले जाते हैं. तो ये है अरीय त्रिज्या प्रतिरूप. उसके बाद है त्रिभुजाकार प्रतिरूप या ट्राइंगुलर पैटर्न. इस प्रकार के गांव उन स्थानों पर होते हैं जहां कोई सड़क या नहर दूसरी सड़क या नहर से जाकर मिले किंतु क्रॉस न करे. ऐसे मतलब सड़क और नहर के बीच में इस प्रकार की शेप बन जाती है और उनके बीच में ट्राइंगुलर लोकेशन में फिर गांव बस जाते हैं. ऐसे गांवों को नहर के या सड़क के पार जाकर बसने की अपेक्षा एक ओर फैलते रहने की सुविधा होती है, क्योंकि एक ओर उसको पानी भी मिल रहा है और सड़क का से ट्रांसपोर्टेशन भी मिल रहा है. नहरों या सड़कों के द्वारा त्रिभुज की दो भुजाएं बन जाती हैं और त्रिभुज के आधार की ओर खुली भूमि में गांव फैलता रहता है. वृत्ताकार परिरूप प्रतिरूप या सर्कुलर पैटर्न. गोलाकार इस प्रकार के गांव हैं जिनमें किसी वृत्ताकार झील के किनारे किनारे मकान बसे हों. भीमताल एक ऐसी ही बस्ती है. किसी केंद्रीय मकान के चारों ओर या किसी वट वृक्ष अथवा तालाब के चारों ओर बसा हुआ गांव भी वृत्ताकार हो सकता है. ऐसी बस्तियों के दो भेद होते हैं, न्यूक्लिएटेड या नाभिक बस्ती जिसके केंद्र में मुख्य घर होता है और निहारिकीय या नेबुलर बस्ती जिसके केंद्र में कोई तालाब या पंचायती चबूतरा अथवा वट वृक्ष आदि होता है. यानी न्यूक्लिएटेड बस्ती जिसमें बीच में भी घर है और चारों ओर भी घर है और निहारिकीय यानी बीच में कोई सुविधा है, यानी गाँव की कोई मेन आकर्षण है जैसे कि तालाब, पंचायती चबूतरा अथवा वट वृक्ष आदि होता है जहां गांव के लोग आकर मेले, उत्सव, सभा आदि के लिए इकट्ठे होते हैं. तीर प्रतिरूप एरो पैटर्न. इस प्रकार के गांव किसी अंतरीप के सिरे या नदी के नोकीले मोड़ पर बसे होते हैं. इनमें अग्रभाग में मकानों की संख्या कम और पृष्ठभाग में बढ़ती चली जाती है. तो ऐसा लगता है जैसे आगे थोड़े से मकान और पीछे लंबाकार रूप में मकान जब बसते चले जाते हैं तो तीर प्रतिरूप बन जाता है. इस प्रकार के गांवों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे दक्षिणी भारत के सिरे पर कन्याकुमारी गांव,
उड़ीसा की चिल्का झील प्रदेश में सानानैसी गांव, खंबात की खाड़ी में गोद, कुंडा, गोपनाथ आदि गांव, मध्य प्रदेश की सोनार नदी के एक मोड़ पर असलाना और बामनेर आदि नदी पर सिंहपुर गांव, बिहार में बूढ़ी गंडक नदी के मोड़ों पर मंझोल, सिवारी, आहो इत्यादि और बागमती नदी के मोड़ पर चौवान तथा केरल में मुत्तामतुरा गांव आदि होते हैं आदि हैं इसके उदाहरण हैं। आप चाहो तो इनको गूगल करके देख सकते हो या फिर आप इनको एटलस में भी ढूंढ सकते हो। उसके बाद है तारा प्रतिरूप या स्टार पैटर्न। स्टार पैटर्न आपको पता ही है, तारे के पांच कोने निकले हुए होते हैं, तो इस प्रकार से वो कहीं कहीं पर वो तारे के रूप में वो गांव चमकता हुआ दिखता है, यानी गांव निकला हुआ दिखता है। इस प्रकार के गांव वे होते हैं जो आरंभ में तो अरीय त्रिज्या प्रतिरूप होते हैं और बाद में वे बढ़ते बढ़ते बाहर की ओर जाने वाले मार्गों पर मकान बसाते चलते हैं। त्रिज्या प्रतिरूप में बाहर को जाने वाली सड़कों पर बाहर की ओर फैलते मकान बसने के बाद वह गांव तारा प्रतिरूप का हो जाता है। उसके बहुत से सिरों से मार्ग बाहर की ओर निकले होते हैं। तो ये आज हमने चार पैटर्न्स डिस्कस किए हैं, अरीय त्रिज्या, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार और तीर प्रतिरूप, और भी पैटर्न्स हम इससे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट चल रहा है और इसको हम अगले टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे, अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।